नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह। भारत मालदीव का विवाद एक ऐसा विवाद जो अब सोशल मीडिया से उतरकर लोगों के जहन, मन और अंतरात्मा में आ गया है। अब तक तो आप इस पूरे मामले के बारे में समझ ही चुके होंगे, लेकिन इससे इतर हम आपके लिए इस पूरे मामले में एक विश्लेषण लेकर आए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रही, मालदीव ने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या क्या किया और इस पूरी पिक्चर में चीन कहां से आया, ये हम चार भागों में आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भारत मालदीव का विवाद क्या है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप समुद्र तट पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा की और कैप्शन में लिखा, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए। लक्षद्वीप के मनमोहक समुद्र तट को दिखाने वाली खूबसूरत पोस्ट ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया और इस पोस्ट ने दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। विवाद का कारण मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उपमंत्रियों की नकारात्मक टिप्पणियां हैं। इसके अलावा सहयोगियों ने टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा का उद्देश्य वास्तव में मालदीव के पर्यटन को चुनौती देना था। भारत में विवाद को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, विवाद के बाद दौर शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का। प्रतिक्रियाएं आम नागरिकों से लेकर नेता, अभिनेता और राजनेताओं की भी सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कुछ आम यूजर्स और सेलिब्रिटीज विवाद में कूद पड़े और उन्होंने मालदीव के बहिष्कार का नारा लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक और फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स की बुकिंग ही कैंसिल कर दी और इसी के साथ कई भारतीयों ने भी मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल की। बॉलीवुड में भी बॉयकॉट मालदीव्स और सपोर्ट लक्षद्वीप का ट्रेंड शुरू हो गया। हिंदी सिनेमा के कई दिग्गजों ने मालदीव को बॉयकॉट करने में अपना पूरा समर्थन दिया। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक और कंगना रनौत से लेकर श्रद्धा कपूर तक मालदीव्स को बॉयकॉट करने में किसी सेलिब्रिटी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। यहाँ तक कि FWICE ने भी मालदीव्स में किसी भी तरह की शूटिंग से इनकार कर दिया। यानी बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक में मालदीव को लेकर विरोध जागा, जिसकी लपटें इतनी तेज हुई कि इन लपटों में जलाने के लिए कोई ही बच पाया। अब आपको बताते हैं कि मालदीव ने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या क्या किया। मालदीव को भारत के बायकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जिस देश का रेवेन्यू ही टूरिस्ट और टूरिज्म से आए, उसकी ऐसे में हालत खराब होना जाहिर सी बात है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, फिर भी भारतीय उसके यहाँ जाने को तैयार नहीं है। शुरुआत में मालदीव को लगा था कि वह शायद स्थिति को संभालने में सफल हो सकता है, इसलिए मालदीव ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को स्थगित कर दिया था। इसके बाद अपने एक बयान में यह भी बताया था कि मौजूदा सरकार 3 मंत्रियों के बयान से सहमति नहीं रखता है, उनके विचार अपने हैं। मालदीव सरकार को शुरुआत में ही यह बात समझ आ गई थी कि मालदीव को भारत के साथ यह विवाद बहुत महंगा पड़ने वाला है। मालदीव और भारत के विवाद के बीच चीन कैसे आया, भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने 10 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब इस मुलाकात को चीन का भारत के खिलाफ अहम कदम बताया जा रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की, जिसके दौरान ये कहा गया कि वो इस बात को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि वह पहली राज्य के यात्रा पर चीन आए हैं। भारत के साथ विवाद के बीच चीन के इस कदम पर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मोइजू ने चीन के दौरे पर पहुंचते ही ड्रैगन देश का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो इस साल चीन आने वाले पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इन समझौतों में पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था,
डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूती देना और बेल्ट एंड रोड पहल शामिल है। दोनों देशों के विवाद के बीच चीन का इस तस्वीर में आना अपने आप में 100 सवाल खड़े करता है। बता दें कि शी के साथ बातचीत के अलावा मोइजू के चीनी प्रधानमंत्री ली किंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।